up, beautiful people? This is one only Devansh. Welcome back to my channel. तो आज हम निकले हैं भाई लोनावला राइड के लिए. अर्ली मॉर्निंग हो रहा है अभी 6:23 पे. एंड मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं महेश जो कि मेरे बिल्डिंग में रहते हैं. अभी जा गए फ्यूल भराने के लिए एंड हम भी उनके पीछे पीछे चले रहे हैं अभी. तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दैट के यार एक लॉन्ग राइड नहीं हुआ है, बट आज होगा वो पॉसिबिलिटी. एंड बारिश का आने का संभावना भी नहीं है आज. तो वेदर भी बहुत अच्छा है, क्लियर एंड साफ है. तो आज का तो एकदम मज़ा भाई मज़ा. इंट्रो अभी तक तो शूट नहीं किया मैंने टाइम नहीं मिल रहा है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इतना बारिश भाई साहब, इतना बारिश क्या ही बोल सकते. तो अपने को भी फटाफट निकलना है बिकॉज क्या होता है पता है क्या, अभी ना जो अपने को वेदर जो चाहिए ना लोनावला में वो फिर देखने को नहीं मिलेगा. तो इसीलिए हम जल्दी निकले हैं अभी. एक्चुअली निकलने का था प्लान एट 5 o'clock, बट भाई इतना सुबह कौन इतना जल्दी उठेगा. तो जल्दी उठने को भी नहीं हो रहा, आंखें नहीं खुल रही थी, क्या ही कर सकते भाई. जिंदगी की नेचर का ही चीज वैसा है, तो क्या ही करें. बस अभी अभी फटफट हम लोग निकलते हैं, तो आगे हम मिलते हैं. टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड, कहीं जाना होगा. तो हमने पवई का रूट पकड़ रहे अभी यहाँ से, क्योंकि वहाँ से जाना मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है. तो अभी यहीं से हम निकलेंगे हम लोग. और ये जो सामने जा रहे हैं डोमिनार में, ये अपना भाई महेश भाई है, तो इनके साथ जा रहा हूँ मैं आज राइड पे, क्योंकि आज है संडे और कौन धमाल वाला राइड करना है अपने को.
फिलहाल तो, अब थोड़ा सा थोड़ा बहुत रहेगा यहाँ पर दिल्ली से, ये सब चलते रहता भाई। अभी दिख रहा अपने को कि भाई मैप में इतनी सुविधा है दे रही है हमको। बाइकर्स पॉइंट के लिए तो भाई अभी वो मिलना चाहिए टाइम के भाई, कि लोग है या नहीं है पता नहीं, बट देखिए ना आज कोकिला को लेके निकले भाई, कुछ भी हो जाए भाई आज जाना है। ये देखो भाई आ गया वाशी ब्रिज, हम लोग ने चेंबूर गए नहीं जिस वाशी ब्रिज का फटाफट हम लोग आए। देखो चेंबूर होते हुए पूरा हम लोग को यार बहुत तकलीफ होता है, हाईवे बिगेस्ट ब्रिज अभी तक का मुंबई में, अभी उस तरफ बन रहा है जो कि हार्बर लाइन को कनेक्ट करेगा, ये उस तरफ है। महेश भाई फुल पावर में चला रहे गाड़ी, हेलो ऐसा लग रहा है कि थ्रॉटल दिया भाई सीधा निकलो, ब्रेक नहीं मारना है सीधा निकलो भाई। देखो उड़ते बच गया है, अभी इसको फिक्स कर रहा है, नहीं तो भाई इसका भी विकेट है। एंड अब हम जाएंगे नीचे की तरफ, बिकॉज ऊपर जो है वो एक्सप्रेस हाईवे है तो बाइक जा नहीं सकता है। मेरा मन कर रहा है भाई लेके निकल जाओ, लेकिन भाई चलान कटेगा ना तो ख़त्म है, फिर 4-5 हज़ार तो कहीं नहीं है। अब हम अभी नीचे से नीचे की तरफ से जाएंगे भाई, भी अपने साथ में है उसमें साथ में है भाई, GoPro का बैटरी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था वो उसमें भी रुका दिए थे। हाय वेलकम टू यशवंत राव चव्हाण एक्सप्रेस भाई, हम यहाँ से अभी राइट मारेंगे, राइट के थ्रू हम सीधा निकलेंगे। राइट राइट नहीं और टाइम के बाद आ रहा बिकॉज आई वाज इन चेन्नई एंड भाई थोड़ा डायरेक्शन दे रहे हैं, हाँ राइट ही लेना है।
है ना कंफर्म इसका विकेट था ये। आई डोंट नो, अभी इसको ना थोड़ा सा टाइट करवाना पड़ेगा बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई लूज लॉस हो जाए, ये चीज़ें थोड़ा टाइट करनी पड़ेगी। हम यहाँ से जाएंगे राइट, फिर हम सीधा निकलेंगे टिपिकल टाइम, स्टे ट्यून कहीं जाना। तो ये है ओल्ड पुणे एक्सप्रेस हाईवे जो कि लोनावला को कनेक्ट करता है, एंड थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा क्योंकि राइडर है ना भाई, इसका भरोसा नहीं है। कंपनी में भरोसा कर सकता बट इसमें भरोसा नहीं कर सकता है। महेश भाई तो फुल आगे चले गए, तो हम भी थोड़ा आगे चले जाते हैं। GoPro का इशू हुआ, फिर इसका इशू, मेरे को लगता है शायद बम्प ज़्यादा हो रहा है इसकी वजह से वो उड़ा है, तो थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। लेकिन वो इधर ये इसका नट है चलो, अरे छोटा मोटा प्राणी निकल गया भाई। है 19 किलोमीटर, तो पूरी है भाई।
ठीक है, एकदम सडनली ना आंखों के सामने समझ में नहीं आता क्या होता है। हाँ भाई भागा वो तो, हाँ हाँ भाई हमारे रामों में आता। हाँ हाँ देखो भाई मैं हमारे साथ में एक्चुअली गेयर निकाल के चल रहा हूँ बिकॉज बहुत हाथ है एकदम, मेरा ऐसा लग रहा है कि स्लिप हो रहा है। क्या हो गया? I don't know. क्या हो गया? हॉर्न है, हॉर्न 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 हॉर्न। भाई ट्रेन का हॉर्न देख के तो महेश भाई भी फंस गए, वो ये चाहिए हो गए। तो भाई ये क्या भोकाल है समझ ही नहीं आता है। वैसे तीन साइड में हॉर्न, तीन साइड में हॉर्न, टोटल छह हॉर्न, किसको जरूरत है भाई। एनीवे हम अपना राइड कंटिन्यू करेंगे, ये हॉर्न हॉर्न के चक्कर में ना साला अपना हॉर्न बच जाएगा फिर। ये ना भाई टोल का एक सबसे बेस्ट मतलब बोलते हैं ना बाइक पे आने का एक अच्छा लगता है कि भाई टोल भरने का ही नहीं पड़ता। और अंकल इतना इंथ्यूसियास्टिक है ना भाई कि भाई इतना प्यारा बंदा, भाई बोलता है कि भाई क्या हो गया। मैंने बोला कुछ नहीं हुआ अंकल जी, आपका हॉर्न देख कर हमारा हॉर्न निकल गया। आई हमने गलत लेन डाल दिया भाई 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 भाई। हाँ यहाँ से जाएंगे ना, ये नहीं जाएंगे हम, यहाँ से जाएंगे। जय माता दी बोल के निकल लो। चलो निकल गए। देखा ये होता है पब्लिक है जो मतलब देखा जाए ना बाजू से जैसे कुछ निकल रहा है भाई ऐसा लग रहा है। महेश भाई वो टेंशन में आ गया, मतलब ट्रेन का हॉर्न लगा के रखा है बंदे ने। What's up beautiful people, आज का मौसम तो देखो भाई इतना प्यारा सा बना हो, और हमारे कोकिला देखो भाई फुल राइड मोड पे है। और मोस्टली अभी तो लाइक हाल ही होगी, यहाँ से जाएंगे तो हम लोग को लाइक 30-40 किलोमीटर ही है लोनावला पहुँचने के लिए। तो हमारे कोकिला को देख लो फुल फुल पावर में है, और महेश भाई वहाँ पर गए देखने के लिए कि लाइक होटल चालू है कि नहीं है, क्योंकि चाय पी लेंगे। देखो भाई आवाज़ देखो बुम 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 कर रहा बुम बुम। तो अभी हमको फटाफट पहुंचना है टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट नहीं जाएंगे हम, उससे पहले एक पॉइंट आता है तो वहीं पर जाने वाले हम लोग, फिर वहां से रिटर्न बैक करने वाले हैं। चले नहीं तो भाई उड़ जाओगे तुम भी। हाँ ये हुई ना बात। हाँ
करो अपना राय।
के लोनावला का नाम। ओ कितना सारा वाटरफॉल है यार, देखो हाय 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 क्या मजे भाई। दोस्तों कहीं रुका के ना थोड़ा सा प्रेम का एक वीडियो ले लूं। चढ़ा के निकल जाएगा क्या? ओ ये गलत जवाब। घुमाना पड़ता है ऐसा लग रहा है। बुम 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 बुम। ये भाई स्पेशली पहाड़ चढ़ने के लिए अपना बेनेली GRK 502X। महेश भाई बहुत पीछे रह गए। आए हाय जाने दो भाई, मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई होंडा वाला है या नहीं है। हाँ हाँ थोड़ा सा वीडियो बना। अरे महेश भाई इतना पावर में निकल तू हो, तो बने पांचवे गियर पे भाई, पांचवे गियर पे। अब मोबाइल अंदर रखना पड़ेगा भाई, मुझे सीरियसली मोबाइल अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कुछ हो इंसिडेंट ऐसा। टाइम में बहुत क्रूशियल टाइम होता है ये चीज जो हम ऐसा भगाए। चलो अब इस टाइम टू वॉक दिस रोड। दिस इज लोनावला का हाईवे जो हम चढ़ नहीं पा रहे थे, तो ये है वो रोड। बुम बुम, हमको यहाँ से ऊपर जाना है। इतना अच्छा लग रहा है लिटरली ना, मैं अपना ना हेलमेट का वाइजर खोल के ना मस्त चला रहा हूँ। महेश भाई डायरेक्शन देते हुए बता रहे कि भाई यहाँ पर ये है, तो आराम से चलाओ जरा।
हाईवे पुराना हाईवे है, मुझे ना वो वाला हाईवे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा रुका हूँ यहाँ पर और एक फोटो शूट हो जाए। ओए होए 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 फॉग भाई फॉग। क्या कर रहा है यार, खुद नहीं जाएगा दूसरे को भी जाने नहीं देगा। चिंकिया ओए 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 ये हसी वादिया को देखिए ना, मेरा तो भाई जी एकदम हर उठ गया भाई। बर फॉग भाई फॉग, यही तो देखने के लिए हम आते हैं भाई दूर से। सो दिस इज द लोनावला का हाईएस्ट पॉइंट, वहाँ पर भी है अपने को उस तरफ से है, बट अब यहीं से हम यू टर्न मार के चले जाएंगे। बट यही अपने को देखना था और अपनी धन्नो यहाँ खड़ी है। आफ्टर 4 मंथ्स के बाद आई है यहाँ पर, तो चेन्नई से आने के बाद यहाँ थी। अब सोलो राइड पे हम लोग यहाँ निकले हुए। महेश भाई यार फुल फॉग है वहाँ पर भी है। कहाँ पर? टाइगर पॉइंट पे चलना है। ये देखो भाई, फुल पावर में जा रहे पब्लिक। सो ये है बाइक का पॉइंट है जहाँ से हम लोग यहाँ से जाते हैं। मोस्टली जो हम हाईवे पकड़ने वाले थे वो ये है जो कार और ट्रक्स जाते हैं। तो दिस इज द मेन हाईवे, कनेक्ट करता है अपने पुणे एक्सप्रेस हाईवे को, और ये ओल्ड हाईवे है। गाइस अभी अधमरी हालत में अपनी पड़ी है बेनेली टीआर के, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और ये देखो सारे राइडर के ग्रुप यहाँ पर खड़े हुए, मौसम का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन ये देखो इसको नंगी पड़ी है यहाँ पर। तो गाइस अभी ऐसा हालत हो गया था कि लाइक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था एंड बैटरी उतर गया है, पूरा ड्रेन आउट हो गया था बिकॉज ऑफ द लाइट एंड बिकॉज ऑफ द डोमिनार इट गॉट स्टार्टेड। डोमिनार का पहले बैटरी निकाला फिर इसमें लगाया। थैंक्स टू महेश भाई, पहली बात तो महेश भाई को थैंक यू और इनको भी थैंक यू कि जम करवा लिया। अब तो बारिश आया है, इधर तो भाई क्या मौसम बन गया है, पूरा साला डिस्प्ले पे पानी आ रहा है। तो अभी हम फटाफट पहले बैटरी नया डलवाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि यार अब लॉन्ग राइड के लिए जाने के लिए मैं ये चीज़ का कतई मैं स्टंट नहीं ले सकता मैं ये चीज़। तो जल्दी जल्दी पहले बैटरी चेंज कर लेते हैं। तो टिल टाइम स्टे ट्यून्ड। In 200 meters, turn left towards your new mark. With your love, find my rest and I can see you. मजा भाई, जन्नत है भाई। अब थोड़ा स्लो ही रखेंगे, हमारी कोकिला एकदम आज पावर में चल रही है, बट थोड़ा सा इश्यू दे दिया था बैटरी का। अब देखो टोटल तो भाई एकदम अपरम पार, ये तो दिख ही नहीं रहा है मेरे को। अभी वो सामने महेश भाई जा रहे तो ही दिख रहा है मेरे को, नहीं तो मेरे को दिखता ही नहीं था। महेश भाई तो देखो दिख ही नहीं रहा है। क्या प्रेम है भाई, क्या प्रेम। एक हाथ में फोन, एक हाथ में थ्रॉटल और हम मौसम का आनंद ले रहे हैं भाई।
ये व्लॉग देखने में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, बाइक कैसी चल रही है और मैं 30 के स्पीड पे चल रही है गाड़ी, 30 35 30। भाई मजा ही आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे इसमें भाई गाड़ी चलाना मतलब और ऊपर से बारिश का टाइम सब कचरे लोग है, कचरे कचरा पब्लिक है, कचरा करने आई है। महेश भाई सच में है, आ जाए ना, जान बच गई है, नहीं तो है ना टेम्पो में बैठ के आना पड़ता था मेरे को। हाँ टेम्पो में बैठ के आता था मैं बेनेली टीआरके को लेके। उस तरफ क्या है वो रहा हमारा धन्नो, बैटरी चार्ज हो गई है फाइनली उसकी भी। तो बता दो आप, अरे क्यों तू बोलना, अरे डर लग रहा मुझे। आपको अच्छा लगा ये बाइक? बड़े होके लोगे? पक्का? इससे भी अच्छी वाली BMW लेंगे, BMW कावासाकी निंजा लेंगे, कावासाकी निंजा। चलो ऑल द बेस्ट, ब्लॉग कैसे बनाते ऐसी हम लोग, ऐसी बनाने का ब्लॉग, बात करते रहने का, देन आप अप्रोच करने का, मतलब कैसे। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, चलो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, चलो बाय बाय। ये हसी वादिया में भाई अपना कोकिला बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है, एकदम तड़मड़ रहा है कि देखो भाई क्या एंजॉयमेंट है, और अपना डोमिनार साथ में भाई 400 सीसी वाला मस्त एकदम भाई। इसके वजह से ना इसकी जान बची है आज। ये सीन ये हुआ था कि जो मैंने फॉग लाइट लगवाया हूँ, बिकॉज ये इतना वेदर भी ऐसा है कि फॉग लाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो सीन ये था कि भाई फॉग लाइट की वजह से बैटरी जो था वो फुल ड्रेन आउट हो गया था, एंड गाड़ी का स्टार्टर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तो मैकेनिक आया, बहुत सारा चीज़ें बोला, ये नहीं वो नहीं, तो भाई मेरी तो गोटे कपाल हो गए थे। बट फाइनली थोड़ा जान में जान तब आया जब इसका बैटरी निकाल के उस पर लगवाया और जम करवाया गाड़ी को, तब जाके भाई गाड़ी स्टार्ट हुई। एंड उसने बोला कि जब ज़रूरत पड़ेगा तब जाके फॉग लैम्प ऑन करना, ये तो नॉनसेंस चीज़ है, फॉग लैम्प के बिना भाई गाड़ी ना बहुत अधूरी लगती है, अच्छा भी नहीं लगता है, फॉग लैम्प चाहिए थोड़ा सा। तो अपन ने छः फॉग लैम्प लगवा के रखा, तो भाई बंदा बोलता है ये क्या है, मतलब ट्रक लग रहा है एकदम, तो ट्रक ही है। और बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट भाई, मैंने ये ट्रिप का तो मैं प्लान नहीं किया था, बट ये अनफॉर्चुनेटली सब कुछ हो चुका था, और यहाँ सब लोग हैं भाई अपने अपने लाइफ बिजी लाइफ छोड़ के भाई यहाँ पर इन्जॉयमेंट करने आए हैं, तो मैं इन्जॉयमेंट नहीं एज अ राइड के पर्पस पर्सपेक्टिव से आया हूँ मैं, राइट पर्सपेक्टिव, यस। तो हाँ भाई, तो ये है अपनी कोकिला, ये है अपनी डोमिनार, ये है मैं, ये है महेश भाई, और हम लोग यहाँ पर फुल लॉन भाई एंजॉय कर रहे हैं, बस दैट्स इट। यहाँ पर सब वाटरफॉल का आनंद ले रहे हैं, और ये पानी यहाँ से सुर करते 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 कहाँ जा रहा है, हाँ वहाँ गटर है, वहाँ जा रहे हैं। चलो थोड़ा नीचे जाते हैं हम, पानी से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आधा तो पूरा इसी बीत चुके हैं हम तो। जो जो ना के नहीं आए तो यहाँ ना सकते हो, लोनावला में सबसे फेमस जगह है, इट्स वेरी नाइस, एक बार छूना चाहता हूँ बस, अपने को क्या, अपने को छूने से मतलब है, बाकी क्या तेल लगाने। वाह क्या आनंद है, वाह
अरे बाप रे कितना गर्म पानी आ रहा है, कोई मुझ कोई सुसु भूत उत तो नहीं दिया भाई, बट बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली वाटरफॉल पे आ चुका हूँ, बट पानी में हाथ डालने को डर लग रहा है क्योंकि पानी बहुत गरम गरम आ रहा है। ये देखो बहुत ज़्यादा गरम है, पता नहीं कोई भी सुसु करके जाएगा तो अपने को इस पानी में भीगना नहीं है, नहीं तो भाई क्या हो जाएगा पता नहीं। और यहाँ पर के सारे रोड बहुत बकवास है, यहाँ पर लिटरली ना बियर के बॉटल ना सब फूटे हुए हैं यहाँ पर, थोड़ा बी केयरफुल जब भी अगर कोई आएगा यहाँ पर। बट सच में यार बहुत अच्छा लग रहा है, मन की तमन्ना पूरी हो गई। यहाँ पर एक्चुअली संडे के टाइम में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें चले जाऊँ, भीगने का तो बहुत मन है बट ऑलरेडी मैं बहुत भीग चुका हूँ। ऊपर की तरफ इतना बारिश आ महेश भाई, हाँ पानी है ना इतना गरम गरम आ रहा था ना, मेरे को लगा कोई मूत दिया अंदर, ऊपर से आता है ना पानी। मेरे को ना हाथ लिटरली जब डाला ना मैंने तो गरम गरम लगने लगा, मैंने बोला छोड़ जान दे, मैंने अपना दिमाग चेंज कर लिया, माइंड भी चेंज कर लिया, सब कुछ चेंज कर लिया, आत्मनिर्भर होके मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को नहीं जाना इसमें। तो हम चलते हैं अभी मुंबई के ओर, बिकॉज अभी बज रहे हैं 12 और हमको 2-3 बजे तक पहुंचना है मुंबई। एनी हाउ मुंबई का वेदर पता नहीं कैसा होगा, अब ग्लव्स डाल के जाना पड़ेगा बिकॉज आई वांटेड टू वेयर फुल गियर्स नाउ, हेलमेट भी पूरा बीत चुका है और ये भी करवा लिया हूँ बॉम बॉय राइडर। सो टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड, कहीं जाना मत, आई होप यू विल एन्जॉय दिस ब्लॉग। पीछे का वादिया देखो यार, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है, लड़कियों को मत देखो वादिया देखो। तो फाइनली वाटरफॉल का हो गया है समाप्त, अब निकल रहे हैं हम मुंबई। आई होप आपने इस ब्लॉग को एन्जॉय किया होगा। ये रहा डैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अगर ट्रेन में आ रहा होगा तो प्लीज़ एक नंबर से लाइक करता है भाई, इतना ब्यूटीफुल है भाई प्लीज़। यहाँ पर फुल फोटोशूट चल रहा है, टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है और अब ये पॉइंट पे बैठे हैं बिकॉज मेरा GoPro का बैटरी फुल डाउन हो चुका है एंड फोन का बैटरी भी बहुत डाउन हो चुका है एंड महेश भाई फुल वीडियो कॉल पे बिजी है। सो इट वाज अ लवली ट्रिप, ये सडन प्लान था, हमने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि आज के दिन ही जाना है एंड ऑल, तो क्या ही कर सकते हैं। बट जब आ रहा था तो इट वॉज टू रेनी एंड GoPro में लाइक लिटरली पानी जा रहा था, तो मैंने सोचा कि पानी लगा के उसको मस्त आराम से टेप में डाल दिया मैंने एंड देखा तो भाई बैटरी उतर गया और बहुत अच्छी बात है। तो बस चार्ज करने के लिए मैंने वायर लाया, चार्जिंग पॉइंट है वायर भी लाया और ये देखो मैंने लाइट चालू करके रखा, उसने पहले बोला था कि भाई बैटरी फटा से ड्रेन आउट हो जाता है, वो चाहिए नहीं अपने को क्योंकि अभी लॉन्ग रूट है यहाँ से। बट ये व्यू देखो यार, लिटरली बहुत बहुत अच्छा लगता है, सोचा नहीं था कभी ऐसा। एंड उस तरफ है आपको वाटरफॉल ज़रूर दिखेगा, अभी इसे फ्रेम में नहीं नज़र आएगा बट वाटरफॉल ज़रूर दिखेगा। एंड ये जो नीचे जो रास्ता जा रहा है ये अपना न्यू हाईवे है जो बस एंड कार ट्रक वर्क वहीं से जाता है, बट बाइक्स के लिए हमेशा यहीं से जाता है। बट होल्ड ऑन, अपने वीडियो कॉल पर बिजी है। तो टिल द टाइम अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा एंड जितना हो सके अपने भाई बहन से प्यार करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड और क्या बोल सकते हैं, डू व्हाटएवर वी डू। मेरा नाम मुँह एकदम ये हो गया बिकॉज ठंड के वजह से मेरे को एकदम हो रहा है, सो डू व्हाटएवर यू वॉन्ट, स्टे हैप्पी स्टे सेफ, लव यू, take care till the time.
स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। जय हिंद।